हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एस्टेट बिहार एस्टेट 2023। कुछ लोगों ने स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे फॉर्म फिल किया है। दोस्तों, यहां पर मैं बात कर दूं, एस्टेट के जो है दो पेपर होंगे अलग अलग। माध्यमिक स्तर का पेपर होगा वो पेपर वन कहलाएगा और उच्च माध्यमिक स्तर का पेपर होगा वो पेपर टू कहलाएगा। तो माध्यमिक स्तर यानी पेपर वन में स्पेशल एजुकेशन टीचर करके भी एक अलग से उन्होंने क्राइटेरिया दिया था। तो जो लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, जिन लोगों ने बीएड स्पेशल एजुकेशन में करी हुई है, उन लोगों ने एस्टेट 2023 का फॉर्म फिल किया है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो बिहार से हैं, बहुत प्यारे कैंडिडेट जो हैं, उन लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर एक वीडियो बनाइए सिलेबस के ऊपर। दोस्तों, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर गया, वहाँ पर मैंने बहुत खंगाला, तो वहाँ पर सारी जितनी भी पोस्ट है सबका सिलेबस है, यानी कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन टीचर, नृत्य, सबका सिलेबस है, मगर स्पेशल एजुकेशन टीचर का कोई भी सिलेबस नहीं है। तो क्या हम तैयारी करें अगर हम स्पेशल एजुकेटर हैं? तो दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके अंदर आपका जो 150 नंबर का पेपर आने वाला है और 150 ही शायद आपको मिनट मिलेंगे, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट पैटर्न है यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये रहेगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि पोस्ट स्पेसिफिक आपके 100 क्वेश्चन होंगे और टीचिंग आर्ट एंड स्किल के 50 क्वेश्चन होंगे। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी आप करेंगे, तो आप ये बुक ले सकते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसको लेने के लिए भी मैंने स्क्रीन पर डिटेल शेयर कर दी है, जिसके अंदर अनमोल TLM सेंटर से आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक के दो फायदे होने वाले हैं आप लोगों को। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि आप एस्टेट का जो पेपर है वो देंगे। दूसरा फायदा ये है कि जहाँ भी स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन टीचर की कोई वैकेंसी आती है, तो उसके लिए भी आप इस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बुक 600 रुपये की है। अगर कुछ लोग इस बुक को लेने में सक्षम नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने डिप्लोमा के जो नोट्स हैं, आपके जो अपने डिप्लोमा के नोट्स हैं, आप उससे तैयारी करें, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि उससे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई स्पेशल एजुकेटर हैं, बाय चांस उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी करी, स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करी और जो एग्ज़ाम थोड़ा सा हटके आ गया, तो साथ ही साथ आपको जो तैयारी करनी है वो शिक्षा मनोविज्ञान की भी तैयारी करनी है, एजुकेशन साइकोलॉजी की भी तैयारी करनी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी तैयारी करनी है। दोस्तों, अभी मैं वेबसाइट पर जाके दिखाता हूँ आपको कि मुझे क्या मिला। दोस्तों, अगर गूगल पर अगर हम लिखते हैं बिहार एस्टेट 2023, यहाँ पर अगर आप सिलेबस भी मेंशन करेंगे, तो ये वेबसाइट आ जाती है जो कि ऑफिशियल है एस्टेट होम की। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एस्टेट 2023, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी सिलेबस है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट, जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं या जनरल टीचर हैं, वो मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। जैसे कि ये मॉक टेस्ट यहाँ आ जाता है, स्टार्ट करने के लिए आता है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर इन्होंने रोल नंबर ऑटोमेटिकली अपने मन से डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, मैं स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर आती है टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है 60 मिनट, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो ठीक है, मैं यहाँ पर आई एम रेडी टू टेक एग्ज़ाम करने पर आता हूँ। और यहाँ पर आप कैंडिडेट की वगैरह पर सेलेक्ट करेंगे तो अपना एग्ज़ाम जो मॉक टेस्ट यहाँ पर दे पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है तो ये कुछ तरह ओपन हो गया है, तो अगर हम यहाँ डेस्कटॉप करेंगे तो और अच्छे तौर से आएगा। तो ये थोड़ा सा मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं कि सिलेबस जो है स्पेशल एजुकेटर वो किस तरह से करेंगे। देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें क्वेश्चन वगैरह आ चुके हैं, क्वेश्चन 3-4 है इस तरह से, तो फटाफट से हम पीछे आते हैं। और सिलेबस अगर पेपर वन का सेंस यहाँ पर है माध्यमिक स्तर, जिसका सेंस आप समझेंगे कि भाई 6 से 8वीं या 6 से 10वीं, तो इसके अंदर हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली वगैरह सब है, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, नृत्य सब है, बट स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन टीचर करके कोई भी सिलेबस नहीं है। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर क्या तैयारी करें? तो दोस्तों, मैंने अभी बताया है आपको कि आप किताब ले सकते हैं, इस किताब के माध्यम से आप तैयारी करें, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। तो मैं सवाल बताता हूँ कि किस में से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। पहले यहाँ पर आप सिलेबस का पेपर टू देख लीजिए कि भाई यहाँ पर पेपर टू के अंदर भी जाते हैं हम 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो भी यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है। खैर, स्पेशल एजुकेशन पेपर टू के लिए था ही नहीं, पेपर वन में स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात की गई थी, तो यहाँ पर नहीं मेंशन है। अब क्या आप तैयारी करेंगे? तो मैं आपको सिंपल सलाह दूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट को लेकर चलिए। मान के चलते हैं कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैंने माध्यमिक स्तर पर स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन टीचर से एस्टेट का फॉर्म भर दिया है, तो अब मुझे जो तैयारी करनी है वो मेरे जो डिप्लोमा के नोट्स थे या जो मैंने बीएड करी थी उस टाइम पर, जो भी मेरे पास मटेरियल था उससे जो तैयारी करी थी उसी से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, उससे आप तैयारी करें। और जो भी आपका ये पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि किसी का आएगा हिंदी, किसी का उर्दू, किसी का फाइन आर्ट, किसी का मैथमेटिक्स, तो उस तरह से जब आपका स्पेशल एजुकेशन का आएगा तो आप आसानी से वो कर पाएंगे और आप ये किताब ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि भाई कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है यहाँ पर, ना ही उन्होंने कुछ भी दिया हुआ है स्पेशल एजुकेशन का,
तो दोस्तों आप लोग ये बुक ले सकते हैं। बुक को लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर शेयर है, तो उस पर शेयर और जब मैसेज कर देंगे तो आपको अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर भेजना है, पेमेंट करनी है और पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट जब आप शेयर कर देंगे तो ये बुक आपके एड्रेस पर कोरियर हो जाएगी। कोरियर होने में तकरीबन आपके एड्रेस पर पहुंचने में, कोरियर होने के बाद आपके एड्रेस पहुंचने में कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगेगा, तो थोड़ा वेट करना, किताब आ जाएगी। कोई भी फ्रॉड नहीं होता क्योंकि 50,000 चैनल पर सब्सक्राइबर हैं और बिहार के लोगों से खास लगाव है मेरा, क्योंकि मेरा होम टाउन भी मधुबनी है। मैं जब भी बिहार आता हूं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है बिहार में। मैंने एक बार अभी जो मैं आया था जून जुलाई में, तो मैंने मैसेज भी किया था कि भाई कौन कौन लोग बिहार से, तो किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया था। अगर कोई भी रिप्लाई करता तो मैं ज़रूर उससे मिलता, मैं उससे मिल सकता हूँ, कहीं भी मिल सकता हूँ, मैं जयनगर में भी मिल सकता हूँ उससे, फिर आपका इधर उमगांव, सारघाट और ये बेनीपट्टी, दरभंगा हो गया, या फिर ये जो भी आसपास के एरिया से, यहाँ पे उनसे मीटअप कर सकता हूँ। तो कभी आऊँगा तो फिर दोबारा बताऊँगा। तो जो भी लोग बिहार से प्यार देते हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आएंगे, तो जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं उसको मैक्सिमम शेयर करें। अगर इस वीडियो पे 1,000 व्यूज़ तो कम से कम आने चाहिए, क्योंकि ताकि बिहार के लोगों तक मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।